इंडिया पावर कॉरपोरेशन यूनियन की ओर से करनाल के सेक्टर 12 स्थित राजीव गांधी विद्युत केंद्र के बेसमेंट में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व कर्मचारी एवं बिजली यूनियन के राज्य स्तरीय नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग में 8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल के बारे में बिजली विभाग के कर्मचारियों को आह्वान करने के लिए जानकारियां दी गई और ज्यादा से ज्यादा संख्या में देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यह हड़ताल अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी हड़ताल होगी, जिसमें लगभग 30 करोड़ कर्मचारी भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक मंदी के नाम पर सभी विभागों को प्राइवेट करने जा रही है, जो देश के लिए घातक है। लोकतंत्र को बचाने के लिए यह हड़ताल की जा रही है, जिसमें कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। 8 जनवरी की पूरा हिंदुस्तान में हड़ताल है और केवल पहली बार ऐसी हड़ताल है जो 30 करोड़ से ज्यादा लोग हड़ताल करेंगे और पहली बार ऐसी हड़ताल होगी। कोई 5 पैसे की डिमांड नहीं है, केवल हड़ताल ये है ये लोकतंत्र बचे एक और पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्ट करे। पूरे पब्लिक सेक्टर को जिस प्रकार आर्थिक मंदी के नाम से कोटियों को भाव जो बेचा जा रहा है, इसमें हमारा भी भाग भी और जितना भी पब्लिक सेक्टर का दायरा है, मतलब सबको बेचने की जो तैयारी कर ली और पिछले दरवाजे से बेच रहे हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल गए, मतलब पहली बार देखा होगा 148 साल के इतिहास में जो पूरी दुनिया में जो हमारा रेलवे का स्ट्रक्चर एक नंबर था। आप यह देखेंगे पर्सनल, मैंने आई विजिटेड लास्ट मंथ रेलवे में भी, या तो हम राजधानी में जाते थे कभी मीटिंग में, ऑल इंडिया की में देखते थे, राजधानी सभी हिंदुस्तान की जिस लाइन से जाते हैं रेल को रोक देती है आम पैसेंजर को। उस पैसेंजर में कोई बीमार होता है, कोई ठीक होता है, लेकिन राजधानी में बैठने वाले वो कौन कारकुन है, वो मशीन है, वो इंसान नहीं है, मैंने तो विजिट करके देखी है। इसी प्रकार आज रेलवे को जो 4-4 घंटे वो राजधानी बाहर खड़ी कर देती थी, इसी प्रकार 170 प्राइवेट रेल चलाने का परमिट दे दिया। एक्चुअली मैंने जो उस प्राइवेट गाड़ी में विजिट करी, आप यह देखेंगे उसका अनाउंस पैटर्न टू राजधानी होता है जब हम बैठ लेते हैं। राजधानी का पैटर्न क्या है, अब वो पायलट और को पायलट का नाम बताते हैं, इतने बजे पटना पहुंचे, वो रास्ता तय करते हैं। मैंने भी सोचा ये कोई हवाई जहाज नहीं, रास्ता बता नहीं सकते, लेकिन जब मैंने पर्सनल विजिट करी, आउटर में बाहर पैसेंजर गाड़ी सारी रोक रखी थी। इसी प्रकार जब प्राइवेट गाड़ी में विजिट करी, आप यह देखेंगे 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हुआ। मैंने कहा किराया भी सेम है, व्हाट रीजन? उन्होंने कहा जो प्राइवेट गाड़ी चलेगी राजधानी भी आउटर में खड़ी हो जाएगी, लोगों का अट्रैक्शन प्राइवेटाइजेशन की तरफ से। लोग ये कहने लगे अब कि ये जो सरकारी रेल है जो 4-4 घंटा लेट चल रहे हैं, ये बंद करके इसी पीली रेल चाहिए जो प्राइवेट से, और जो पीली रेल सारी आ जाएंगी अपने हालात क्या बनेंगे, छटनी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी भयंकर, आर्थिक मंदी आएगी भयंकर। और जिस प्रकार विभाग के पोर्टल आप देखेंगे, मैं लगभग 2-2.5 साल से BSNL और MTNL के कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिली। आप सोचोगे, मतलब जिसको जो एक अपना पेट और मस्तिष्क बेच का जो दहाड़ी करे है उसने 1.5 साल से तनख्वाह ना मिले है, वो अब क्या करेंगे, VRS में जाए, और VRS में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, CRS में जाए। आप सोचो एक बार। इसी प्रकार जिस डिपार्टमेंट को मैं आज एड्रेस करने आ रहा हूं, आज से 3 दिन पहले आप यहां देखिए, मेरा साथी एक नौजवान जो मेरा मित्र यादव बोल रहा था, पूछ रहा था जी हम जाए कि बैठे, शिवाली है कोई जाए ना रहे, कोई जाए या बैठे, अगर इस डिपार्टमेंट को पब्लिक सेक्टर को बिजली बोर्ड को कोई बेच के मारे खून की कोई बोली लगेगा उसकी, हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ही नहीं बिजली बोर्ड की यूनियन उसकी धज्जिया उड़ाएगी। हमने खून से सींच रखा इस डिपार्टमेंट को, 8,000 कर्मचारी हमारी शहीद हो गए, हमारी 8,000 बहने हैं जो चूड़ी नहीं पा रही, दुआ रही है। आज इसने कोई पोर्टल करे टोटे के नाम से, आज कोई रेलवे का निजीकरण करे आउटसोर्स के नाम, कोई CABCA NRC कोई इसने लिया गया हुए, देश में 5 लाख लोगों की FIR दर्ज हो बोलनी आएगी, इसका हम वी विल डू स्ट्रॉन्ग अपोज। अब इसलिए अगर क्या नौकरी नहीं लगाए, इसलिए हमने PhD रेमे नहीं करी कि मैं चला नाइड कर नाइड कर दूंगा,
देश के संविधान का बलात्कार हो जाए और मैं बैठ के देख लूंगा कि वाई, अगर मैं इस देश का नागरिक हूं, अगर इस देश को बचाना आज अखबार पढ़ लो, 40 गुंडे किसी ट्रेन में पहुंच जाते हैं, एक गोरखा था फौजी जिस रामा गोरखे का बोला छोटा, आज का अखबार में डिटेल, 40 डकैत पहुंच गए रेल ने लुटने। अब उसके साथ एक जब सबको गए तरवारे गए लड़कियों गए लड़कों का जो भी है, एक लड़की 18 साल की माँ बाप के साथ बैठी है और फौजी आपने भी सारा सौदा दे दिया डाकुआ था ही, लेकिन उनने भी लूट लिया। जब वो 40 आदमी जो गन ले रहे थे, जो चाकू तलवार ले रहे थे, उन्होंने कहा कि तेरे वस्त्र नहीं चाहिए हमें, तेरा गहना नहीं चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।